अहमदनगर जिले के बोधे गांव से बीते दिनों एक अपहरण का मामला सामने आया था। मामले में शेप गांव पुलिस ने सोलापुर जिले के करमाला से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अपहरण हुए युवक शेष राव बंजारी को रिहा किया गया है। दरअसल शेष राव बंजारी का बांगी डॉन के गन्ना श्रमिकों के मुकदम नितिन जगन्नाथ तकीफ और उनके साथियों ने अपहरण कर लिया था। इस अपहरण की सूचना मिलते ही शेष राव पावक की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। चौगा पुलिस स्टेशन पीआई विलास पुजारी कल शाम को बोधेगांव से एक मुरमी गांव के सरपंच उनको किडनैप करके इर्टिका व्हीकल में दो एक्यूज पर्सन लेके गए, ऐसी कंप्लेंट उनकी वाइफ आशा भाई वंजारी इन्होंने चौगा पुलिस स्टेशन दर्ज की। तत्काल हमने पुलिस पथक नियुक्त किया और पीएसआई बोकिल, हेड कांस्टेबल ससाने, पुलिस नाइक दराडे इनको करमा सहकारी साखर कारखाना भेज दिया और वहां से वो दो आरोपी और विक्टिम शेषराव वंजारी और वो किडनैपिंग के लिए यूज की हुई कार इर्टिका गाड़ी वो लेके 12 घंटे के अंदर चौगा पुलिस स्टेशन में लेके आए। इस कामगिरी की वजह से एसपी साहब श्री ओला साहब और एडिशनल एसपी खैरे साहब और एडीपीओ श्री भोसले साहब इन्होंने अभिनंदन किया है। धन्यवाद।